First Choice Kids Wear रमजान स्पेशल ऑफर अप टू 40% डिस्काउंट के साथ एक लेटेस्ट कलेक्शन में हलीमा सुल्तान, शरारा पम्पलम, गाउन, बॉयज फुल सूट, वेस्टर्न आउटफिट और भी बेहतर सर्विस, प्रीमियम क्वालिटी, सबसे सस्ता और अच्छा। रमजान में आपकी फेवरेट शॉपिंग की चॉइस सिर्फ फर्स्ट चॉइस किड्स है। लॉकडाउन की वजह से दुकान बंद है, आप नीचे दिए नंबर पर कॉल करके ऑर्डर दे सकते हैं। कोरोना महामारी में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव सेवा धर्म करने के साथ साथ सरकार की व्यवस्थाओं की भी पोल खोल रहे हैं। कभी अस्पताल पहुंच जाते हैं तो कभी किसी जिले में औचक निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं। शुक्रवार को पप्पू यादव छपरा पहुंच गए और यहां भी कई ऐसी चीजें देखी जिन्होंने उसकी बखिया उधेड़ कर रख दी। दरअसल छपरा पहुंचने के बाद बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूढ़ी के अमनौर स्थित कार्यालय में दर्जनों एम्बुलेंस खड़ी थी। इसको देखकर पप्पू यादव ने कहा कि अभी जिस तरह से माहौल है ऐसे में एम्बुलेंस की ज़रूरत है, लेकिन यहां ऐसे ही ये एम्बुलेंस रखी गई है। इसके बाद उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। पप्पू यादव ने लिखा, बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूढ़ी जी के अमनौर स्थित कार्यालय परिसर में दर्जनों एम्बुलेंस बरामद की गई हैं। सांसद विकास निधि से खरीदा गया एम्बुलेंस किसके निर्देश पर यहां छिपा कर रखा गया है, इसकी जांच हो। सारण डीएम सिविल सर्जन यहां बताएं, बीजेपी जवाब दे। आपको बता दें, इस कोरोना काल में जहां एम्बुलेंस न होने की वजह से लोग मरीजों को अपने कंधों पर उठाकर और ठेला गाड़ी पर ले जाते हुए नजर आए हैं, वहीं बीजेपी के इस सांसद के यहाँ इस तरह से दर्जनों एम्बुलेंस मिलना एक सबसे बड़ा सवाल बन गया। पप्पू यादव ने जब बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी की पोल खोल दी, फिर पप्पू यादव पर घटिया राजनीति करने का आरोप राजीव प्रताप रूढ़ी ने लगा दिया। कहा कि वे बिना जानकारी के ही सवाल उठा रहे हैं। सांसद ने कहा कि पप्पू यादव, कोविड में ड्राइवर दीजिए, सभी एम्बुलेंस सारण में चलवाइए, मुफ्त सभी गाड़ियाँ देने के लिए तैयार हूँ। पप्पू यादव अपनी राजनीति में मधेपुरा से छपड़ा चले आए। उन्होंने एम्बुलेंस देखा, उनको नहीं पता है कि सारण जिला के 80 एम्बुलेंस में से लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए, सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली। बस फिर क्या था, पप्पू यादव ने एम्बुलेंस ड्राइवरों की पूरी टीम ही मैदान में उतार दी। लगभग 40 एम्बुलेंस ड्राइवर पप्पू यादव ने मैदान में उतारा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 अभी 21 है यहाँ। किधर है? लाइसेंस का लाइसेंस निकालो। देखिए कल लाइसेंस निकालो। 40 ड्राइवर हैं इनके पास, तैयार है। ये अभी सबका नाम लिख करके हम लोग गवर्नमेंट को भेजने जा रहे हैं। प्रेमचंद सिंह जी अभी देंगे, समर्पित करेंगे।